एक तो भाई इनसे इतना कचरा कर दिया, सरकार लोग क्या कर रहा, झटकार रहा है। बिहार की राजधानी पटना को स्वच्छ और खूबसूरत बनाने में सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। बिहार सरकार लगातार टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है, जहां पर लोग घूमने आ रहे हैं। खूबसूरत सड़कों का निर्माण हुआ है, अटल पथ की खूबसूरती देखते ही बन रही है। लोग यहां रात में अपनी गाड़ियों से अटल पथ की खूबसूरती का नजारा लेने आते हैं। लेकिन इसी बीच कचरे का ढेर राजधानी की खूबसूरती को कहीं न कहीं घटाते नजर आ रही है। लोगों का कहना है कि खुले में डंपिंग यार्ड बनने से स्थानीय लोगों का रहना मुश्किल हो गया है। लोग अपने हेल्थ को लेकर भी काफी परेशान हैं। बदबू की वजह से लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। हमारी टीम जब ग्राउंड लेवल पर पहुंची तो लोगों ने क्या कुछ कहा, देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। आप देख सकते हैं मेरे पीछे की किस तरीके से पटना में खुले में डंपिंग यार्ड रखा गया है। मैं खुद यहाँ पे सांस नहीं ले पा रही हूँ, बहुत ही ज्यादा यहाँ पे स्मेल आ रहा है। सोचिए कि इतनी खूबसूरत पटना में घर घर से कचरा निकालकर यहाँ पर खुले में जिस तरीके से कचरा रखा गया है, कितनी समस्या हो रही है इससे, सांस की समस्या हो रही है। लोग नाक और मुंह बंद करके भी जा रहे हैं, मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ, बहुत ज्यादा यहाँ पे स्मेल आ रहा है। ये एक बीमारी का घर है जिस तरीके से पटना में खुले में कचरा फेंका जा रहा है। आइए यहाँ से जो स्थानीय लोग हैं, मैं उनसे भी बात कर रही हूँ। जी आपका नाम क्या हुआ? मंटू कुमार चौधरी। तो मंटू जी, आप यहाँ पे जो कचरा रखा गया है, इससे आपको या और भी लोगों को क्या परेशानी हो रही है? बहुत सारे लोग को परेशानी थी, आने जाने में कुछ दुर्गंध फैलती है यहाँ पे, और दूसरे में कि यहाँ से बीमारी भी, बहुत सारे बीमारी पैदा होती है। इसको सरकार को चाहिए कि शहर से आउटर एरिया में इसको जी किया जाए, मतलब शहर के आउटर एरिया में इसे रखा जाना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे मतलब जिस तरीके से बहुत सारी बीमारियाँ भी फैल रही है, लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये तो सरकार की कमी है ना, सरकार की तो गलती है। यहाँ पे जब इतना देखने की घनी आबादी है, यहाँ पे लोग कचरे डंपिंग कर रहे हैं, जो सरकार की कमी है, जो यहाँ पे दुर्भाग्य हम लोग को जो सरकार ऐसे हम लोग जी रहे हैं इसकी सरकार में। जी इतना टेक्नोलॉजी आगे होने के बाद भी हम लोग यहाँ इस कचरे में खुले में कचरा रखा गया, खुले में कचरा, इसको कम से कम शहर कहीं आउटसाइड एरिया हो उधर रखना चाहिए था, बनाना चाहिए था। तो डंपिंग है यहाँ पे जो हो रहा है कचरा का, कम से कम इसको बाहर चाहिए, शहर का बाहर रखना चाहिए था, ना कि यहाँ पे जो गाड़ी जाती है, हम लोग जो भी आदमी जाते आते रहते हैं, उन लोग को यहाँ से ऐसे बंद करके जाना पड़ता है। जी बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, सांस लेने में दिक्कत होते हैं यहाँ पे तो आने पे। ऐसी नहीं, पटना में बहुत सारी जगह है जहाँ पे ऐसा ऐसा काम किया जाता है। इतना खूबसूरत पटना में ये एक इतना खूबसूरत पटना है, फिर भी देख रहे हैं कचरा कितना भरा हुआ है यहाँ पे पीछे। जी तो इसको कम से कम शहर का बाहर होना चाहिए था, ना कि इनसाइड। जी आपका नाम क्या हुआ? संजना। संजना, संजना यहाँ पे जिस तरीके से खुले में कचरा फेंका जा रहा है, इससे क्या परेशानी हो रही है? जैसे कि इससे बहुत सारी परेशानियां लोगों को होती हैं। आई मीन जब हम सब कॉलेज या कोचिंग के लिए निकलते हैं तो बहुत ज्यादा स्मेल होता है, इससे हम लोगों को लंग्स प्रॉब्लम भी हो सकती है। सरकार को इसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि इस तरह से खुलेआम कचरा फेंकना कोई अच्छी बात तो है नहीं। जी बिल्कुल। और इससे आने जाने वाले लोगों को भी बहुत तकलीफ होती है, तो इससे स्पेशली हम स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत होती है, और बच्चों को, उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, और वैसे भी पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसके वजह से ये भी एक फैक्टर है पोल्यूशन होने का, तो शायद इसे रोकना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ के जितने भी पब्लिक हैं और जो नगर निगम है यहाँ का, उसको सफाई कराना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें छोटा बच्चा हो बड़ा बुजुर्ग हो, उसको भी ये दिखाई दे रहा है चीज़ें कि कितना ये ज़रूरी है साफ़ करना, क्योंकि आम पब्लिक नहीं है यहाँ पे, छोटे बच्चे हैं, उसका भविष्य यहाँ से शुरू हो रहा है। उसको रास्ते में गंदगी अगर इसके शरीर में जा रहा है, उसको सफाई कौन करेगा? जी बिल्कुल। उसकी जो मजबूरी है वो एक उसके फादर जानेगा, कॉमन मैन नहीं जानेगा उसका। मैं यही कहूँगा नगर पालिका से, जो यहाँ डस्टबिन बना रखे हैं ना, इनको जल्द से जल्द सफाई करवाएं और बेहतर स्वच्छ बनाए पटना नगर को। आप यहाँ से डेली आते जाते हैं? हाँ, यहाँ से हम डेली आते जाते हैं। आपको इस कचरे, खुले कचरे की वजह से कितना समस्या होती है? बहुत ज्यादा होता है, कभी कल स्मेल बहुत ज्यादा करता है, जिसमें हम लोग सांस लेने में भी बहुत दिक्कत होता है, और बरसात के दिन में तो पूरा कीचड़ ऐसा हो जाता है। यहाँ से एक दिन हम जा रहे थे तो ई रिक्शा भी मतलब पलट गई थी, गिर गई। तो सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार से यही बोलना चाहते हैं कि जहाँ पे आदमी पब्लिक प्लेस है, ये कचरा वाला है, यहाँ पे मत लगाएं, कहीं आउटर साइड में लगा दें। जी मतलब कि यहाँ पे नहीं होना चाहिए। दिक्कत यही है कि आने जाने में प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पर गाड़ी भी चल रहा है, गाड़ी इतना है कि पूछे मत, चलने में भी दिक्कत हो रहा है। एक तो भाई इनसे इतना कचरा कर दिया, सरकार लोग क्या कर रहा, झटकार रहा है।
यहाँ पर कचरा साफ नहीं किया जा रहा, इतना महंगा है कि साला एक मास्क भी नहीं मिल रहा। सुना कि किस तरह से स्थानीय लोग खुले में डंपिंग यार्ड रखने से परेशान है, लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही हेल्थ से जुड़ी और भी जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे मेडिकल माइक।